सबकॉन्शियस माइंड का अपना कोई थॉट नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है। इसे जो भी आप कॉन्शियसली देते हो वही उसके विचार बन जाते हैं। जो चीज इससे लग जाता है एक बार कि हाँ ये व्यक्ति को ये चीज चाहिए, वो उस पर एग्जीक्यूशन करने लगता है। तो जब हमारे अंदर में ही है इतना पावर कि हम कॉन्शियसली अगर सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दें तो हमारे लिए बेहतर कर सकता है, तो हमें अब कॉन्शियसली अच्छे विचार को देना है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी लाइफ डिजाइन होती जाती है। कहते हैं कि जो जो आप पाना चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर देने चालू कर दो, आपको वैसे मिलने लगते हैं। हर चीज आप पा सकते हो, हर चीज को पाने का ताकत है आपके पास। जो भी आप पाना चाहते हो बस आपके सबकॉन्शियस में वो चीज जाना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति को ये चीज चाहिए, आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो हमें अपने लिए बेहतर चीजों का चुनाव करना है, हमें अपने लिए बेहतर चीजों को बोलते जाना है। हमें अनजाने में भी कभी अपने लिए गलत चीजें नहीं बोलनी, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम ऑर्डर इस सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वो हमारे लिए वो एग्जीक्यूट करता है। कई बार सुना होगा कि मैंने ये थॉट रखा और ये मेरे को ऐसा मिल गया। सबकॉन्शियस माइंड को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोचते क्या हो, अच्छा है बुरा है उसमें उसको फर्क नहीं समझ में आता। वो तो बस एक पेरेंट की तरह है, एक फादर की तरह है कि बच्चे ने जो जिद किया वो उसको दिलाना है। जैसे कई बार आपको लगा होगा कि आपके बच्चे ने जिद किया है, आपको पता है कि ये जिद गलत है, फिर भी आपको उसके जिद के आगे झुक के उसको देना पड़ता है। वैसे ही हमारे लाइफ में हमारे कॉन्शियस माइंड का हिसाब किताब, वो हर चीज को पाने के लिए जिद करता है, वो छोटे अंतराल के लिए सोचते रहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे इतिहास भूगोल को जानता है। जो जो एक बार आपके थॉट में चली गई, आपके मेमोरी में चली गई, वो सभी चीजें कैद है। बट कॉन्शियसली हम जितना सोचते हैं उतना ही उसको रिकॉल रहता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए हमें करना क्या है, सोच समझ के विचार देने। अनजाने में हम कुछ भी विचार दे देते हैं और कुछ भी हमारे लाइफ में एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो अब हमें यहां से अपनी लाइफ के लिए सोच समझ के विचारों को देना, हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हमारे थॉट देने, उस हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना है। तो जैसे आप घर चाहते हो, आप बड़ी गाड़ी चाहते हो, आप अच्छे जॉब चाहते हो, ढेर सारा पैसा चाहते हो, आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करो कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल रहा है, मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरा व्यापार दिन दुना और रात को चौगुना बढ़ रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करो, हमें कॉन्शियसली इसको फूल बनाना है। और एक बार ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ये चीज कर रहा हूं, तो वाकई आपके लाइफ में वो चीजें आने लगती है। हमें कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, और ये तब संभव है जब हमें जानकारी हो कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावरफुल है। आपने सुना होगा कि कोई एक मैटर ऐसा आ गया जिसपे हमारा कॉन्शियसली काम करने के लिए हम उस पर नहीं जा रहे, बट हमारा अंतर मन बोल रहा है कि नहीं ये करो ये करो, और जब आप करते हो तो उसमें सफल होते हो। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सभी चीजें पता है, बट ये खुद से वर्क नहीं करता, ये उतना ही करता है जितना कॉन्शियसली आप उसको ऑर्डर करते हो। तो अब हमें कॉन्शियसली हर चीज के लिए अच्छे से ऑर्डर करना पड़ेगा, जानबूझ के अच्छे विचार इसमें एंटर करने पड़ेंगे, जानबूझ के अपने लिए बेहतर लाइफ का चुनाव, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा चीज चाहिए। इसको जितना कॉन्शियस माइंड ऑर्डर करता है उतना ही वो वर्क करता है। और कॉन्शियस माइंड बहुत दूर की नहीं सोचता, करंट में क्या है उस हिसाब से वो सोचता है, वर्तमान में कितना चाहिए बस उसी पे काम करता है। कहां पर जाने से उसको खुशी मिलती है और कहां पर जाने से उसको तकलीफ होगी वो बस इसी में उलझा रहता है। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सभी चीज जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेहतर नहीं है। तो आज से आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी हैबिट डालनी है कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे उसको छोड़ दो, मेरे लिए क्या बेहतर है उसका चुनाव करो। और ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, वो बराबर आपके लिए बेहतर का चुनाव करते। बट हम कहीं ना कहीं अपने लिए बेहतर करने का चुनाव कॉन्शियसली करते रहते हैं। क्योंकि कॉन्शियसली हमारा दूर दृष्टि कितना दूर का होता है, बहुत लिमिटेड सोच है हमारी। तो सोच से बाहर निकलने के लिए हमें ईश्वर पर भरोसा करना है,
ईश्वर यानी कौन? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसे सभी चीज पता है। बचपन से लेके आज तक के सारे चीजें उस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। बट क्या आपको आपके लाइफ का हर इंसिडेंट याद है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर है, बट हमें उतना ही याद रहता है जितना हम आज करंटली सोचते हैं, जितने पर हम कॉन्शियसली काम करते हैं। तो हमें सोच समझ के अच्छी सोच देनी, जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर हो सके। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये इतना ही नहीं है, अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है, क्योंकि हमारे माइंड का हम कितना परसेंट यूज कर पाते हैं वो आपको भी पता होगा। पूरे इंटायर लाइफ में 5-10% यूज कर, हाई आईक्यू वाले लोग अपने माइंड का 15-20% यूज कर पाए, और एक नॉर्मल व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति 5-10% यूज करते हैं। और उसमें भी हम अपने जानबूझ के बहुत कम ही जगह होता है कि हम डिसीजन लेते हैं। तो ना आज हमें पता है, उसी के अनुरूप हम डिसीजन लेते हैं, उसी के अनुरूप हम काम करते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे अंदर बहुत पावर है। तो हमें जानबूझ के अपने लिए अच्छे चीजों का चुनाव करना है और अच्छी चीजों का थॉट देना है, और अपने लिए बेहतर चुनाव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है वो चुनो। और आप देखोगे कि हर बार आप अपने लिए बेहतर चुन पाओगे, हर बार अपने लिए बेहतर कर पाओगे।